हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 बैड क्वालिटी ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। हर एक पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ गुड और बैड क्वालिटीज होती है और इस वीडियो में मैं आपको 5 बैड क्वालिटीज ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बताने जा रहा हूँ जो उनके अंदर होती है। सबसे पहला होता है नेवर से नो। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जो होती है वो दूसरों से बात कम करती है, पर अगर उनसे उनसे कोई हेल्प करने मांगने आता है या पूछता है उनकी हेल्प के लिए, चाहे वो हेल्प किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, फाइनेंशियल हो या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या कोई वर्क से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो ना बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं। इसके लिए उनका लोग फायदा उठाते हैं उनसे अपनी बातों को मनवाने के लिए। उनको पता है कि ये बंदा है या बंदी है, जो भी लड़का लड़की है, ये इससे हम बोलेंगे तो ये कर देगा या कर देगी। तो जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है उनके अंदर नो ना बोलने की जो काबिलियत होती है ना, वो बहुत कम होती है। वो किसी को ना नहीं बोल पाते। ये उनकी सबसे बैड क्वालिटी होती है जिसकी वजह से लोग उनका फायदा उठाते हैं। सेकेंड होता है ओवरथिंकिंग। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जैसे कि उनको ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, दूसरों से ज्यादा बातचीत नहीं करते। कभी कभी क्या होता है, एक दिन, दो दिन, एक एक हफ्ते तक वो किसी से बात नहीं करते। अगर उनके कोई करीबी उनके साथ नहीं है तो, करीबी है तो डेफिनेटली उनसे बात करेंगे, पर अगर वो कहीं दूसरी जगह गए हैं तो इंट्रोवर्ट हैं, इसके लिए दूसरों से बात करने में हिचकिचाते हैं तो नहीं करते, तो वो ओवरथिंकिंग करते हैं। बातों को, एक ही बात को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 100 बार सोचते हैं, तो इसकी वजह से उनको ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। थर्ड होता है फियर ऑफ शेयरिंग फीलिंग। अपनी जो फीलिंग है वो दूसरों से शेयर करने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि कहीं ये हमारा उसका फायदा ना उठा ले, इसके लिए वो अपनी फीलिंग को अपने अंदर ही रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, दबा के रखते हैं। दूसरों से शेयर करने में वो बहुत ही ज्यादा हिचकिचाते हैं, हेसिटेट करते हैं कि अगर मैंने अपनी फीलिंग इसको बता दी तो कहीं ये आगे जाकर उसका फायदा ना उठाए, या कभी कभी वो खुद भी नहीं बताना चाहते अपनी फीलिंग को। देन होता है नॉट कंफर्टेबल टेकिंग फर्स्ट मूव। कभी भी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को आप देखेंगे कि वो फर्स्ट आपसे आकर फ्रेंडशिप नहीं करेगा या ना बात करेगा आपसे पहले आकर। अगर आप उसे आगे से प्रॉपर रिस्पांस देंगे, पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, अगर उसे अच्छा लगा तो डेफिनेटली वो भी आपको प्रॉपर और पॉजिटिव रिस्पांस देगा, लेकिन वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेगा किसी के पास जाने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए या बात करने के लिए। एंड फोर्थ होता है सोशल एंजाइटी और शाइनेस। वो उनके लिए शाइनेस होता है, शर्म होती है और सोशल एंजाइटी होती है। तो ये जो 5 बैड क्वालिटी होती है वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में होती है, जिसकी वजह से वो लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना पाते, या तो फ्रेंड्स बनते हैं तो बहुत कम बनते हैं, ज्यादा नहीं बन पाते। इसकी वजह से वो अपने आइडिया को, अपने नॉलेज को वो दूसरों तक ज्यादा नहीं पहुंचा पाते, बहुत ही लिमिटेड मैनर तक रह जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।